Hello and welcome to another video of Total English. Dear students, this video is very special for us. Why? Because today is 2nd of October. And you know why 2nd of October is important for us? Because two of the most towering figures of our country, that is Lal Bahadur Shastri and Mahatma Gandhi were born on this day. So, aaj hum unke life se jude hue kuch interesting facts ko janenge aur unke dwara diye gaye kuch important speeches, quotations, ye sab sikhenge. That will help us in knowing new words, new phrases aur हमें बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलने वाला है इस वीडियो को देखकर. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस. अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या स्पोकन हो या फिर लिटरेचर हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट महात्मा गांधी. टुडे दैट इज 2nd of October 2020 is celebrated as 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi. This day is also known as International Day of Non-Violence. अब यहाँ पर non-violence ये एक word है, इसका मतलब क्या है? Non-violence का मतलब हिंदी होता है अहिंसा. तो महात्मा गांधी की दो विचारधाराएं थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, दैट इज अहिंसा एंड सत्य. इंग्लिश में इसे non-violence एंड ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि ये मारपीट के विरुद्ध थे और कोई भी बात को शांति से मनवाने में माहिर थे और हमेशा सच का साथ देते थे. सो नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. नाउ महात्मा गांधी जो हम कहते हैं, इनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. महात्मा की उपाधि इन्हें दी गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. महात्मा गांधी का नाम और भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि बापू, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन. ही इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट. भारत की जो आज़ादी के लिए लड़ाई थी, जो स्ट्रगल था, उसकी रीढ़ महात्मा गांधी को हम कह सकते हैं. इन्होंने बहुत से समाज में चल रही कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ें उठाई, लाइक कास्ट, कलर, रिलीजन. ये सब जो अवधारणाएँ हमारे समाज में चल रही थी, इनके लिए इन्होंने पुरजोर विरोध किया और समाज में एक नई दिशा लाने का इन्होंने काम किया. If you talk about his freedom movement, in 1930 उन्होंने दांडी मार्च किया, जो कि नमक के लिए एक यात्रा थी, जिनमें उनका साथ वहाँ रहने वाले सभी लोगों ने साथ दिया. In 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया, इन्होंने उसका शुरुआत किया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, जिसका समर्थन उन्हें पूरे देश भर में मिला. One of his greatest quotation is, "Be the change you wish to see in the world." अगर दुनिया में हम कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अपने समाज में कोई तरह का चेंज लाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें खुद को बदलना होता है. एजुकेशन की बात की जाए, सो एज अ स्टूडेंट ही वॉज प्रिटी गुड इन इंग्लिश. मैथ्स भी ठीक ठाक ही था इनका, बट ही वॉज वेरी पुअर इन जियोग्राफी एंड हिज हैंड राइटिंग वॉज वेरी बैड. और उसके लिए कई बार उन्हें डांट भी पड़ी थी. एंड हिज हायर एजुकेशन, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की लंदन में जाकर, और बार काउंसिल में इंग्लैंड में उन्होंने काम भी किया. लेट्स सी अनदर कोटेशन बाय महात्मा गांधी. एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. एन आई फॉर एन आई एक अंग्रेजी में बहुत ही फेमस कहावत है, जिसका मतलब होता है अगर किसी तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ भी हमें बदला लेना चाहिए और गलत करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एन आई फॉर एन आई. सो लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं मानते हुए कहा, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. इससे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, मतलब लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ठीक है. द वीक कैन नेवर फॉरगिव. फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग. फॉरगिव, फॉरगिवनेस की जो बात की जाती है, मतलब क्षमा करना. तो क्षमा करना उनके अनुसार बहुत ही बड़ा काम है, जो कि एक कमज़ोर इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर भी उन्होंने नॉन वायलेंस के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ऐसे स्पीचेस दिए. और एक बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन उनके द्वारा दिया गया था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट. हम आज क्या करते हैं, यही हमारा कल कैसा होने वाला है ये बताता है. आज अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो कल हमारा बहुत ही अच्छा होगा. आज अगर हम समय को व्यर्थ करते हैं तो आगे जाके हमें इसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. तो ये कोटेशन बहुत ही मोटिवेशनल है.
Now let us know some interesting facts about Lal Bahadur Shastri. He was the second PM of India. और सेकेंड PM वो कब बने हमारे देश के 1964 में. इनकी लड़ाई भी समाज में चल रही कुप्रथाओं के खिलाफ थी, लाइक कास्ट सिस्टम. जो जातीय भेदभाव हमें देखने को मिलता है ये पहले बहुत अधिक हुआ करता था. एंड ही वॉज द बिलीवर ऑफ इक्वालिटी, वो एकता पे यकीन रखते थे. एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा है जो कि समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है. पहले ये बहुत अधिक देखने को मिलती थी पर इनकी आवाज़ उसके खिलाफ हमेशा उठाई गई. हमारे समाज में चल रहे कई रेवोल्यूशंस आंदोलन, जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने बहुत हद तक प्रमोट किया. ही प्रोमोटेड द वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन मीन्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मिल्क. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स टू बूस्ट इंडियाज फूड प्रोडक्शन, हमारे देश में खाद्य सामग्री के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना के लिए जो रेवोल्यूशन आंदोलन जो चल रहा था उस पर इनका बहुत ही बड़ा योगदान था और इन्होंने उसे प्रमोट किया था. लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी तब उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी. बात की जाए उनकी बचपन की तो वो स्कूल जाने समय उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. ही वुड स्विम अक्रॉस द गंगा ट्वाइस अ डे विथ बुक टाइड ऑन टॉप ऑफ हिज हेड, अपने सर पर किताबों को बांधकर गंगा नदी को दो बार पार करते थे, मतलब एक बार स्कूल जाते थे और दूसरी बार वापस आते थे. इतनी कठिनाइयों से इनका बचपन गुजरा. 1962 में जब चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही थी तो चाइना ने भारत को हरा दिया था, तो उस वक्त वो एक इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था और बहुत ही बुरा वक्त से हम गुजर रहे थे. बट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1964 और उसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री पर बहुत ही ध्यान दिया और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हद तक अपना नेतृत्व दिखाया. एंड अगेन आफ्टर वन ईयर ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप, एक साल के बाद 1965 में इंडिया की फिर से एक युद्ध होती है, इस बार पाकिस्तान से. इसमें भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया था. इफ़ यू टॉक अबाउट द कोटेशंस गिवन बाय हिम, सो द मोस्ट फेमस इज जय जवान जय किसान. किसानों को, फार्मर्स को और सोल्जर्स को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इन्होंने ये स्लोगन दिया था जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ था. दूसरा है, डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन आर द रियल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन. अगर किसी देश की बात की जाए तो डिसिप्लिन और यूनाइटेड एक्शन, जो डिसिप्लिन है और यूनाइटेड एक्शन का मतलब है कि एक साथ किया गया कोई भी काम, मतलब एकता को यहाँ पर उन्होंने केंद्रित किया है और उसी पर बात कही है, आर द रियल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन. किसी देश की जो ताकत होती है वो दो चीज़ों में होती है, दैट इज़ डिसिप्लिन एंड यूनाइटेड एक्शन. वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बारे में अच्छी बातें कहते हुए उन्होंने कहा, वी बिलीव इन पीस एंड पीसफुल डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर आर सेल्फ बट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब अगर हम शांति और सद्भावना की फीलिंग्स को रखते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए. तो इससे बताता है कि इनका दिल कितना बड़ा था और ये सबको लेकर चलने वाले इंसानों में से थे. बट इनके डेथ के बारे में बहुत ही सस्पेशंस हैं, बहुत ही संदेहास्पद तरीके से इनकी डेथ हुई थी. कहा तो जाता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था इन्हें, जिसे हार्ट अटैक के जैसा कहा जा सकता, हम कह सकते हैं. रसिया के ताशकंद में इनकी मौत हुई थी. ताशकंद जो जगह है वो अब उज्बेकिस्तान में आता है, उस वक्त वो रशिया में आता था. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी. तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर नए नए वीडियोज देखने हैं. थैंक यू सो मच.